नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार स्पेशल के इस कक्षा में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और उसी जोशीले तरीके से तैयारी में लगे होंगे जो पहले से आपका चल रही है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग नए टॉपिक को लेकर के आए हैं और आप लोगों का जो है कि एग्जाम जो है कि एकदम नजदीक आते जा रहा है, इसीलिए आप लोग एकदम पॉजिटिव माइंड से सभी समस्याओं को दरकिनार करते हुए लगे रहना है। ठीक है, क्योंकि जब आपने ठान लिया है कि इस रास्ते से सफलता को लेना है, ठीक है, कहते हैं ना कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे किताबों से दोस्ती करके, किताबों से मोहब्बत करके मुझे सफलता को पाना है, तो उसे रियल में मेहनत करना होगा, रियल में मोहब्बत करना होगा। ठीक है, तो किताबों से मोहब्बत कीजिए, उसके साथ लगे रहिए और हर समस्याओं को दरकिनार करते हुए अपने सफलता की ओर लगे रहिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट उपाय ही यही है। क्योंकि जिस दिन आपने ये ठान लिया था कि शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में सफल हासिल होना है, सफलता को हासिल करना है, पढ़ाई के माध्यम से जीवन को सफल बनाना है, तो उसी दिन आपने ये रास्ता कठिन कांटों का ताज पहन लिया था। ठीक है, क्योंकि भाई पढ़ाई में हर लोगों को मन थोड़ी लगता है। हर लोगों को मन लगता तो फिर हर घर में एक डीएम होता, हर घर में एक एसडीएम होता, दादा पर दादा भी एसडीएम होते, शायद डीएम होते, लेकिन या तो उनके साथ परिस्थितियां वैसी नहीं रही या तो उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं था। हर लोगों को पढ़ाई में रुचि थोड़ी होता है, लेकिन आपने जब ठान लिया है कि पढ़ाई के रास्ते से जीवन को सफल बनाना है, तब तो किताबों से दोस्ती और मोहब्बत तो करना ही होगा। हर परिस्थिति को, हर समस्याओं को दरकिनार करके आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे ना तो वो समस्याएं अपने आप दब जाएगी। इसीलिए पॉजिटिव माइंड से प्रतिदिन 10 से 12 घंटा 15 घंटा दीजिए अभी, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे बिहार में जो है कि बिहार का भूगोल पढ़ रहे थे, और बिहार का भूगोल में लगभग हम लोगों का भूगोल अब कंप्लीट होने वाला है, एक दो टॉपिक छूटा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार से संबंधित उस टॉपिक को लाए हैं जिससे कि बीपीएससी में, दरोगा में और बिहार से संबंधित अनेक एग्जाम में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन छूटे नहीं, इसीलिए हर टॉपिक को बताना मेरा जिम्मेवारी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि बिहार के नदियों पर निर्मित सड़क या रेल पुल। ठीक है, देखिए अब इसमें से अगर देखा जाए, जैसे महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पे पटना में बनाया गया है और ये जो है सड़क मार्ग है, इस पे आप इसको मैपिंग कर लेंगे। जैसे कि देखिए, अब यहाँ पे मैपिंग में आप बिहार का मैप बना लेंगे गंगा नदी का, और यहाँ पटना में बनाया गया है एक पुल, तो यहाँ पे पटना में आप कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे MGS महात्मा गांधी सेतु पटना। और इसमें क्या बनाया गया, ये जो है सड़क मार्ग है। ठीक है, उसी प्रकार से विक्रमशिला सेतु, ये गंगा नदी पर है भागलपुर, इसमें भी सड़क मार्ग है, तो यहाँ पे आपका गंगा नदी पे जो है भागलपुर में बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रमशिला सेतु और ये कहाँ, भागलपुर में, ये भी सड़क मार्ग है। मैपिंग से क्या हो जाएगा कि क्लियर हो जाएगा, पाच्छेद है, इंडिकेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है कि सोनपुर, सॉरी राजेंद्र पुल, ये गंगा नदी मोकामा पे इस सड़क और रेल इसमें दोनों बनाया गया है, यानी कि इस पुल से जो है गाड़ी भी चल सकती है और ट्रेन भी चल सकती है। तो यहाँ पे आपका पटना से पहले जस्ट मोकामा पड़ती है, यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप मैपिंग करके आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सोनपुर, सोन नदी पे डेहरी के पास बनाया गया है और इसमें भी सड़क और रेल इससे दोनों गुजर सकता है। ठीक है, तो ये है आपका सोन नदी पर बनाई, ये आपका सोन नदी है जो गंगा की सहायिका है। ठीक है, और इसमें डेहरी नामक स्थान पे बनाया गया है। अब्दुल बारी पुल, ये भी सोन नदी पर कोइलवर में बनाया गया और इसमें रेल मतलब सेतु बनाया गया है। उसके बाद बगहा छितौनी, ये गंडक नदी पर है, बगहा छितौनी नामक स्थान पे ही बनाया गया है इसमें, और इसमें भी जो है सड़क और रेल पुल दोनों है, और गंडक नदी आपको पता है कि ये वाला गंडक नदी है। ठीक है, इसी पे बनाया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बस एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा चीजें, बस एक बार लिख लेना है ताकि कभी जीवन में काम आए। ठीक है, नोट्स बेकार थोड़ी आता है, रिविजन होता रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, बिहार का झील और जलप्रपात हम लोग दोनों देखेंगे। ठीक है, झील और जलप्रपात। देखिए, अधिकतर बिहार में जो झील का निर्माण हुआ है वो उत्तरी बिहार में हुआ है। क्यों? देखिए, एक तो आपके पास कई सारा कारण इसका है।
एक तो ये है कि उत्तरी बिहार की अधिकतर नदियां जो है सदा निरा नदी है और वो हिमालय पर्वत से निकलती है, इसका गति जो है उसकी तेज होती है, उसमें सालों भर पानी प्रवाहित होती है। प्लस में जो बिहार का उत्तरी मैदान है वो समतल मैदान है, जलोढ़ मैदान है ना, जिसके कारण से जब वहां नदी प्रवाहित होती है तो उसका प्रवाह तेज होता है। ठीक है, अब देखिए जब नदी नदी तो एकदम सीधा प्रवाहित होना चाहती है कि सीधा आ जाए, लेकिन जैसे वो नदी जब रास्ते में चलती है, मान लीजिए ये चल रही है रास्ते में, अब रोधक चीजें आ गया, कोई टीला मिल गया, कोई पहाड़ मिल गया, जिसके कारण से अब जो नदी जा रही है सामने में कुछ पहाड़ मिल गया टीला मिल गया तो वो रास्ता कट के निकल लेती है ना, फिर इस तरीके से वो चलते रहती है, लेकिन नदी तो जाना सीधा चाहती है। अब देखिए अब इसका स्पीड अगर तेज रहेगा तो इस टीला को धीरे धीरे वो काट करके, अब देखिए मान लीजिए इसे प्रवाहित हो रही है, यहाँ टीला मिल गया, ठीक है, अब यहाँ जब टीला मिल गया इनको तो ये तो नदी इधर से इसमें धक्का देते रहेगी न, और एक समय आएगा कि टीला को काट के फिर सीधे प्रवाहित होने लगेगी, तो अब ये वाला जो पानी जो बच जाएगा ना ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे झील, इसी से झील का निर्माण हो जाता है और उत्तरी बिहार में अधिकतर झील का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। ठीक है, बिहार में जो है झील को ताल चोर और मन ये नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिहार में उसके बाद देखिए अब बिहार का झील के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। बिहार का एक प्रमुख झील है कांवर झील ना, जो कि बिहार का जो है बेगूसराय जिला में मंझौल में पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा गोखूर झील है। गोखूर झील का मतलब क्या हो गया, अब देखिए ये जब झील का निर्माण हुआ अब ऐसे करके ये मुड़ गई, अब ये जो आकार है ना गाय के खूर के तरह हो गया, इसीलिए इसका नाम हो गया गोखूर। ठीक है, अब ये एशिया में सबसे बड़ा गोखूर झील है, यानी कि गाय के खूर के आकार में जो ये बना हुआ है एशिया में, इससे बड़ा और दूसरा कोई नहीं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा और वो भी बिहार में है आपका। ठीक है, अब देखिये प्रवासी पक्षी की प्रमुख झील है ये, और यहाँ पे विदेशों से पक्षी आती है प्रवास होकर के ठंडी के मौसम में, और फिर गर्मी के मौसम में ये पलायन कर जाती है, इसीलिए ये प्रवासी पक्षी के लिए भी ये फेमस है। और उसके बाद जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए इसको सुरक्षित भी घोषित किया गया है। ठीक है, इस झील को, और ये जो है जंतु वैज्ञानिकों का जो है शोध स्थल भी है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का शोध किया जाता है यहाँ पे। तो ये कांवर झील की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब है आपका सिमरी झील, सिर्फ डाटा दे दिए है इसका। सिमरी झील सहरसा डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता है कि यहाँ पे पड़ता है आपका सहरसा डिस्ट्रिक्ट, ये वाला यहाँ पे ना कोसी प्रमंडल में है सहरसा, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं क्या, और जो जो सहरसा से होंगे वो कमेंट करेंगे, और जो बेगूसराय से होंगे वो भी कमेंट करेंगे। और उसके बाद गोगाबिल झील, ये कटिहार में है भाई, ठीक है, ये मनिहारी प्रखंड में पड़ता है और मेरा भी घर मनिहारी प्रखंड ही है, और मेरा घर से जो गोगाबिल झील की जो दूरी होगा ना लगभग वही 6 किलोमीटर होगा, शायद 6 किलोमीटर है मेरा घर से ये गोगाबिल झील। और यहाँ भी विदेशों से ठंडी के दिनों में मतलब कि ये पक्षी आते हैं रसिया सबसे, और फिर वो गर्मी के दिन में वो चल जाते, क्योंकि ठंडी में जो है कि रसिया में अधिक ठंडी पड़ती है जिसके कारण से वो यहाँ आ जाती है, और यहाँ पे ठंडा मतलब बिता करके फिर वो कहाँ चली जाती है, फिर रसिया चली जाती है। ठीक है, उसके बाद कुशेश्वर झील, और जो जो भाई कटिहार से होंगे वो भी कमेंट करेंगे। ठीक है, अब कुशेश्वर झील ये भी ये आपका दरभंगा में है। ठीक है, दरभंगा वाले भाई सब भी कमेंट करेंगे। ठीक है, जो भी भाई बहन है, अब देखिए ये कुशेश्वर झील दरभंगा में है, आप ये देखिए शरद ऋतु में इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये कम हो जाता है। ठीक है, और वर्षा ऋतु में जो है इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो ये इसका विशेषता है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है एक बार आप लोग सर्च मार के देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ता घटता है, ये इसकी विशेषता है, क्षेत्रफल इतना जल्दी पूछता नहीं है, फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रवासी पक्षियों का जो है ये प्रवास स्थल भी है, इसीलिए इसको पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ भी प्रवासी पक्षी आते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, इसीलिए इसको पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है। उसके बाद बिहार के प्रमुख जलप्रपात, ठीक है, तो बिहार का झील देख लिए, अब हम लोग जलप्रपात देखते हैं। देखिए आपको पता है कि जलप्रपात किसको कहते हैं, झरना जिसको कहते हैं गांव समाज में भाई। ठीक है, सीधा सीधा ठेठ भाषा में झरना हो गया, कि जब पहाड़ से जब अचानक नदी का पानी नीचे गिरती है तो झरना का निर्माण करती है। ठीक है, तो उसी उसी झरना को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब
अब देखिए जैसे कि एक है ककोलत जलप्रपात, ये ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में है, नवादा जिला नवादा से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है ये, और इसकी ऊंचाई 47 मीटर है, यानी कि 47 मीटर ऊंची पहाड़ से ये गिरता है। ठीक है, तो बिहार के प्रमुख जलप्रपात में एक हो गया ककोलत जलप्रपात। और ये जो जलप्रपात है ये लोहरदगा पहाड़ियों पर 7 धाराओं का समूह से निर्मित होता है। जो वहां पे एक पहाड़ी है लोहरदगा, वहां पे जो 7 धारा गिरती है पहाड़ से, उसी का इसका निर्माण हुआ है ककोलत जलप्रपात का। ठीक है, उसके बाद है तमासिंग जलप्रपात, ये महानी नदी पर है। ठीक है, ये बिहार और झारखंड के सीमा पे पड़ता है, यहाँ पे लगभग ये झारखंड ही पड़ जाता है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तमासिंग जलप्रपात महानी नदी पर। अब देखिए उसके बाद है धुआंकुंड जलप्रपात, धुआंकुंड महानी नदी पे नहीं है, इसको एक बार देख लेना पड़ेगा, ये इसको आप लोग एक बार सर्च मार के देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, इसमें थोड़ा हमको भी कंफ्यूजन है, महानी नदी पर है कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, धुआंकुंड जलप्रपात, और कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद है दुर्गावती जलप्रपात, ये रोहतास में है। ठीक है, इसको खादरपुर जलप्रपात भी कहा जाता है। रोहतास आपको पता है कि कैमूर और रोहतास, जिसको सासाराम कहते हैं, जहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, और जो जो शेरशाह सूरी का मकबरा घूम के आए हैं वो भी कमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए बिहार में एक गोवा नाम का भी जलप्रपात है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेगा। 2-3 जलप्रपात, देखिए जलप्रपात तो बहुत है भाई। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है 2-4 है जिसको पूछ लिया जाता है, तो उसको हम लिखा दिए। ठीक है, उसके बाद बिहार का प्रमुख जलकुंड, देखिए कहीं कहीं क्या है कि जब ये झरना गिरती है ना, तो कहीं कहीं से गर्म पानी निकलता है। ठीक है, तो उसको जलकुंड नाम दिया, कुंड बन गया है, जल का कुंड। ठीक है, उसका नाम है जलकुंड। तो बिहार में कई ऐसा जलकुंड है जहां से गर्म पानी निकलता है, और उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और जो जो बिहार का जलकुंड घूम के आए हैं वो भी कमेंट करेंगे। ठीक है, और मैं भी कई सारा जलकुंड घूम के आया हूँ बिहार का। ठीक है, अब देखिए बिहार के प्रमुख जलकुंड, और बहुत अच्छा भी लगता है। कई स्थानों पर जलकुंड पाया जाता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण और गंधक पाया जाता है। ठीक है, जैसे राजगीर जो है कि जलकुंड के लिए बहुत ही फेमस है बिहार का। यहाँ पे सप्तधारा या सप्तधरवा इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 धाराओं का एक मतलब धारा से जो है कि गर्म पानी निकलता है, और 7 धारा का टेम्परेचर जो है लगभग 70 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आप लोग जाएंगे ना वहां पे है नान कुंड, ब्रह्म कुंड, अग्नि कुंड, ये सारा है वहां पे राजगीर में। ठीक है, ये सारा ये राजगीर का है। उसके बाद भीम बांध झरना मुंगेर में, मुंगेर में खड़गपुर पहाड़ी से जो झरना गिरती है उसमें से है आपका सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, ये सारा कुंड है। ठीक है, तो और बहुत सारा जानकारी के लिए अगर आप लोग घूमने के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम मतलब डाटा लिखा देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं जानकारी के लिए या कभी घूमने जाना हो तो आप लोग को लिखा देते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे राजगीर में, तो राजगीर में कौन कौन सा है इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो राजगीर में है आपका सप्तधरवा, सद्धारा तो लिखा दिए, ब्रह्म कुंड है, सूर्य कुंड है, नान कुंड है, गोमुख कुंड है, ये सारा राजगीर में है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी राजगीर घूमने जाइएगा तो इसको रहेगा लिखा हुआ, तो आप लोग घूमिएगा। उसके बाद मुंगेर में अगर हम बात करेंगे तो मुंगेर में सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, लक्ष्मीश्वर कुंड, भीम बांध कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, ठीक है, भरारी कुंड, पंचतर कुंड, ये सारा मुंगेर में है। ठीक है, और एक अग्नि कुंड ये गया में है। ठीक है, तो ये सब आपको डाटा ध्यान में रखना है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सब जानकारी के लिए बता दिए, कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी दिया तो आप बना भी पाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा आपका। ठीक है, जिससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए अब बिहार का ज्योग्राफी में 1-2 टॉपिक और आपको पढ़ा देंगे, जहां से क्वेश्चन भी रहता है। एक तो बिहार का खनिज संपदा चैप्टर छूटा हुआ है आपका, खनिज संपदा, और एक टॉपिक होगा तो जनजाति और जाति में ले लेंगे, बिहार की प्रमुख जन जाति और जाति। ठीक है, इसमें हो सकता है एक टॉपिक बना देंगे। उसके बाद बिहार का भूगोल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार का पॉलिटी या तो हिस्ट्री,
तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहले हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं कि पहले पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे तो ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, पॉलिटी भी अगर आप लोग चाहेंगे कि जिनका पॉलिटी असाइनमेंट कमजोर है और पॉलिटी पहले खत्म करना चाहते हैं, पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में तो सारा आएगा, मेरा क्लास में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पॉलिटी इतना बेहतर तरीके से कवर कर देंगे बिहार का कि कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और हिस्ट्री तो मेरा टॉपिक ही है। ठीक है, सबसे रुचि वाला सब्जेक्ट ही है। ठीक है, आप लोग चाह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि कंटिन्यू वीडियो नहीं डालते। देखिए भाई, पढ़ाने का रुचि तो मेरा पूरा है। ठीक है, और पढ़ाने से ज्यादा मजा और इसमें हमको कुछ चीजें में आता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है, हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है। ठीक है, इस कारण से समय नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है कि ऐसा परिस्थिति बना लेंगे कि कंटिन्यू क्लास ले पाए। ऑफलाइन भी क्लास लेना चाह रहे हैं लेकिन मजबूरी है कि नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो शायद बीपीएससी वाले को कहीं जाना नहीं पड़ता। ठीक है, जो भी भाई बीपीएससी लेना चाहते हैं, और हम अब ये चाह रहे हैं कि यूपीएससी वालों के लिए भी मतलब जीएस मेंस पेपर के लिए, ठीक है, मेंस पेपर के लिए ऑप्शनल हिस्ट्री और जीएस पेपर हिस्ट्री स्टार्ट करें। ठीक है, जो जो भाई साहब यूपीएससी करना चाहते हैं और जीएस पेपर पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, अभी तो हिस्ट्री ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑप्शनल भी पढ़ाएंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों के लिए यूपीएससी का स्पेशल बेच जीएस मेंस पेपर के लिए लाएंगे हम। ठीक है, जो हम खुद तैयारी करते हैं, तो उस अनुभव को हम खुद आपके सामने रखेंगे और कहीं कमी नहीं रहने देंगे। जितना दृष्टि में पढ़ाई होती है, ठीक है, सेम चीजों को आपके सामने रखेंगे और उसमें कुछ संशोधन भी करेंगे, कहां क्या सुधार होनी चाहिए अपने अनुभव से। ठीक है, तो चलिए, यहां तो एक मानसिकता बन गई है, चलिए उस सब चीजों को चर्चा नहीं करना है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, अगले टॉपिक में हम लोग जनजाति और बिहार का खनिज पढ़ लेंगे, फिर पॉलिटी या हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहां तक ही रहने देते हैं। आप लोग एकदम पॉजिटिव माइंड से, ठीक है, एक जोश के साथ पढ़ते रहना, क्योंकि आपको पता है कि आपका लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब तक आप इसमें लगे रहेंगे। ठीक है, जब हमने ठान लिया है कि किताबों की राह से अपने जीवन को सफल बनाना है, तो किताबों से मोहब्बत, किताबों से दोस्ती करना है, हर परिस्थिति में समस्याएं जो भी हो किताबों से लगे रहना है। ठीक है, और सफलता तो एक न एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में इससे आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।